गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसिज हरप्रीत कौर आज आपकी हिंदी रीडर की बुक का चैप्टर सेकंड मिठाई वाला का पार्ट थर्ड की रीडिंग करने जा रही हूँ। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, ज़्यादा से जल्दी से दो ठो निकाल दो। दो मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गया। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। विजय बाबू, राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की अच्छी, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़ कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ? ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज उस अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी तरह मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेह विभूति बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अपने लंबे बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। क्षण से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चल कर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो, जरा हट कर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं खुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक दे नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, 2-4 की दे दो। अच्छा तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। धन्यवाद।